काम करने के लिए उस व्यक्ति को भेजते हैं तो वो हमारा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कहलाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब व्यापार चलता है तो व्यापार में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जबकि वहाँ काम कम होता है, और दूसरे डिपार्टमेंट में कर्मचारी की कमी पड़ जाती है जबकि वहाँ काम बहुत होता है। तो हम उन्हें यहाँ के कर्मचारियों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह काम करने के लिए लगा देते हैं, और वही चीज हमारी क्या कहलाती है, स्थानांतरण कहलाती है। कर्मचारी को हम एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए जब हम एक जगह से एक कर्मचारी को दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या कठिनाइयां होती है, उनको क्लियर करेंगे। स्थानांतरण में कठिनाई कौन कौन सी है, सबसे पहला है कर्मचारी को नए काम स्थान नया वातावरण मिल जाता है। क्या होता है, कर्मचारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको नया काम मिलता है, तो उसको वो काम में भी दिक्कत आती है, उस समय उसको सीखने में लगता है, उस समय उसको प्रॉब्लम्स रहती है, तो नया उसको काम भी मिलता है, नई जगह भी मिलती है। हम कहीं नई नई जगह में जाते हैं तो हमारा कुछ समय मन नहीं लगता है, हमें काम आते हुए भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार यहाँ क्या है, ये काम समझ में नहीं आ रहा है, तो नया उसको स्थान होता है। एनवायरमेंट भी उन्हें नया मिलता है क्योंकि नए लोगों में जाना, नए काम को करना, नया नया वातावरण, क्या किस कौन कैसा है, ये सब चीजें भी उसको फेस करनी होती है। तो सबसे पहली कठिनाई ये कि कर्मचारी को नए काम मिलना, नए स्थान मिलना और नया वातावरण मिलने में कठिनाई होती है। फिर दूसरा है हमारा कर्मचारी तथा उसके परिवार को असुविधा। एक स्थान से देखो क्या होता है, जब एक स्थान से एक व्यक्ति दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके परिवार को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, परिवार भी यहाँ से वहाँ जा रहा है या यहाँ से वहाँ उसको दिक्कतें आ रही हैं या उसको भी लगता है कि वहाँ जा रहे हैं, है ना, तो परिवार को उसको बहुत सारी असुविधा होती है। अगर वही डिपार्टमेंट को थोड़ा सा दूर हो तो उसको आने जाने में दिक्कत होगी, अगर वो आउट ऑफ सिटी हो, है ना, तो भी दिक्कत होगी। तो सीधी सी बात है कि कर्मचारी तथा उसके परिवार को बहुत ही असुविधा की होती है, असुविधा का सामना करना होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा कार्य दिनों के अनुसार। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग काम करने से कर्मचारी को मन नहीं करता काम करने का, एम्प्लॉयर मतलब सुस्त हो जाते हैं, तो मतलब वो अपने दिन के हिसाब से काम करते हैं कि आज का दिन निकल गया, कितने दिन मुझे यहाँ रहना है, तो दिनों के हिसाब से काम करता है। वरना अगर वो एक ही जगह पे काम करेगा तो उसको वहां की हैबिट हो जाएगी, वो वही अपना मतलब सब सर दे के काम करेगा, लेकिन नई जगह पे वो दिन और दिन के हिसाब से काम करता है। कर्मचारी की कार्य क्षमता में कमी, कर्मचारी की कार्य क्षमता में भी कमी हो जाती है। कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उन्हें ऑफिस की कुछ समय तो उन्हें वो जगह समझने में लगेगा कि ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे एम्प्लॉयर है, कैसा काम है, क्या होना है, काम का क्या मोड है। तो एम्प्लॉयर्स को सबसे पहले तो कर्मचारी को उसकी कार्य क्षमता में ऑटोमेटिकली कमी आ जाती है, फिर वो कुछ समय वहां रहते हैं तो उनके काम में वृद्धि होती है, लेकिन उस समय तो उनके काम में कमी आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा, मनोबल तथा कार्य संतुष्टि को बराबर होना। उसके मनोबल मतलब वो डिमोटिवेट होता है, मोटिवेटेड जो हो रहा था उसी जगह पे उसको बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब डिमोटिवेट हो रहा है कि हम यहाँ वहां कर रहे थे, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ काम समझ में नहीं आता, तो ये सब चीजें। और कार्य में जब वो संतुष्ट रहता था उसको बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जब एक जगह पर एक व्यक्ति लंबे समय तक काम करेगा तो उसके काम में प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो खुश होगा अपने काम करने से, और अगर उसे अलग अलग काम दिया जाएगा तो उसके प्रभाव में मतलब उसकी संतुष्टि में बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक बार और हम देख लेते हैं, देखो स्थानांतरण करना ही कौन कौन सी, कर्मचारी को नए काम स्थान को नया वातावरण होना, फिर है कर्मचारी तथा उसके परिवार को असुविधा होना, फिर है कार्य दिनों के अनुसार होना, नेक्स्ट है कर्मचारी की कार्य क्षमता में कमी होना, फिर है मनोबल तथा कार्य संतुष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ना। साथ ही आपको बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोज बनाई जा रहे हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाए जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आप लोग नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो